ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एमएस पावर पॉइंट 2003 के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे स्लाइड में एनिमेशन देना। अभी हमने सिंपल स्लाइड शो देखा, पर अगर आप चाहते हैं कि इसमें एनिमेशन भी शामिल हो तो उसके लिए स्लाइड शो पर जब आप जाएंगे तो आपको कस्टम एनिमेशन ये ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा। और अगर ये यहाँ पर ना दिखे तो ये मोर ऑप्शंस वाले पर आप जा सकते हैं। ये कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन यहाँ पर है, इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कस्टम एनिमेशन का टास्क पेन खुल जाता है। और इसमें आप एक बात ध्यान रखें कि जैसे अभी हमारा जो टाइटल है, हमारी जो पहली स्लाइड है, उसमें ये टाइटल लिखा हुआ है और ये सिलेक्टेड है, ये यहाँ पर आपको कर्सर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको जो इफेक्ट वाला ऑप्शन है वो ऑन नज़र आएगा। पर अगर ऐसा नहीं है, आपने कहीं और अगर क्लिक कर रखा है, ये सिलेक्टेड नहीं है, इस पर क्लिक नहीं किया है, तो ये ऑप्शन ऑफ रहेगा। तो इस ऑप्शन को चालू करने के लिए आपको जिस भी चीज़ को, टाइटल को या टेक्स्ट को, जिसमें भी वो इफ़ेक्ट देना है, उस पर जाकर के आप पहले क्लिक करें। ये देखिए ऑप्शन चालू हो गया। अब एड इफ़ेक्ट में जब मोर ऑप्शंस पर आप जाएंगे तो एंट्रेंस के लिए, एम्फेसिस के लिए, एग्जिट के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे एंट्रेंस यानी स्लाइड की जो शुरुआत होगी, किस तरह से स्लाइड एंटर होगी, किस तरह से वो शुरू होगी, उसके लिए इतने सारे अलग अलग इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसमें से कोई सा भी आप चुन सकते हैं, जो भी आपको देना हो। मान लीजिए आपने फेडेड जूम सेलेक्ट किया तो ये देखिए जूम होकर के वो बड़ा होता हुआ दिखेगा आपको। अब मान लीजिए आपको अगर ये जो भी इफ़ेक्ट आपने दिया है वो नहीं चाहिए, दूसरा कोई इफ़ेक्ट अगर लेना है तो ये यहाँ से रिमूव से ये वाला इफ़ेक्ट चला जाएगा। फिर आप ऐड इफ़ेक्ट पर जाकर के जो भी दूसरा आप लेना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। मान लीजिए आपने स्ट्रिप्स चुना है, ये देखिए इस तरह से नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ऑन क्लिक मिलता है। स्पीड जो है वो आप देख सकते हैं, ये इस पर वेरी स्लो, स्लो, मीडियम फास्ट, वेरी फास्ट, ये अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। आपको मान लीजिए फास्ट करना है तो आपने ये फास्ट कर लिया। अभी हमने देखा वो जो इफ़ेक्ट है वो पूरे सेंटेंस पे आया, पूरा सेंटेंस हमको एक साथ स्क्रीन पर नज़र आता है। अब अगर आप चाहते हैं कि वर्ड बाय वर्ड या लेटर बाय लेटर ये जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन पर नज़र आए, तो उसके लिए भी आप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो इफ़ेक्ट ऑप्शंस आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। अब ये यहाँ पर हमने जो एंट्रेंस के लिए इफ़ेक्ट चुना है वो लेफ़्ट टू राइट है, उसका डायरेक्शन आ गया। और साउंड अगर आपको चुनना है तो हम आपको पहले बता चुके हैं, आप साउंड चुन सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो साउंड रखें। एनिमेशन टेक्स्ट जो है उसमें, टेक्स्ट में अगर आपको एनिमेशन चाहिए तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन है आप देख लें, ऑल एट वंस तो पूरा टेक्स्ट एक साथ दिखेगा। वर्ड बाय वर्ड अगर आप लेते हैं, बाय वर्ड तो एक एक वर्ड करके आएगा, और बाय लेटर आप लेते हैं तो एक एक लेटर आएगा। जैसे बाय वर्ड हमने लिया और इसको ओके किया तो ये देखिए एक एक वर्ड के अंदर वो इफेक्ट आया है। तो ये जैसा कि आपने देखा कि हर वर्ड पर वो इम्पैक्ट आता है। जैसे प्ले करके हम इसे फिर देख सकते हैं, अगर आपने बाय लेटर चुना तो हर लेटर पे वो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप अगली स्लाइड को ले लें, उसमें भी जो इफेक्ट आपको डालना है वो डाल दें। अब इसमें देखिए पहले हम चाहते हैं कि हमारा टाइटल आए, इसलिए पहले इसको चूज करें। अगर आप इसको पहले चूज कर लेंगे तो फिर ये स्लाइड शो के समय पहले ये दिखाई देगा, तो हम पहले इसको चूज कर लें। और इसके बाद जैसा आपको बताया था, स्लाइड में एंट्रेंस के लिए जो भी आप इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, जो भी इफेक्ट आपको डालना है वो डाल लें। जैसे आपने पिनव्हील लिया ये, तो ये देखिए इस तरह से ये घूमता हुआ टाइटल आएगा। और उसी प्रकार से इसको चुनने के बाद आप इस पर क्लिक करके जो बाकी का टेक्स्ट है उसके लिए जो भी इफ़ेक्ट आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ से जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके अलावा मोर इफ़ेक्ट्स भी हैं। मोर इफ़ेक्ट्स पर जब आप जाएंगे, अब यहाँ पर आपको और ऑप्शंस नज़र आते हैं। इसमें से मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक एक करके उभरता हुआ है आपका हर पॉइंट, तो आपने ये पीक इन ये वाला ऑप्शन चुना, ये देखिए एक एक जो है वो सामने आपके आएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से जो भी ऑप्शन चाहें आप वो चुन सकते हैं। और
जो भी आपने चुना है उसको फिर ओके कर दें। इसी तरह से सारी स्लाइड्स में आपको जो भी इफ़ेक्ट देना है वो आप दे दें। अब हमने हमारी जो है सारी स्लाइड्स तैयार कर ली हैं, उसमें जो भी एनिमेशन हमको डालना था वो डाल दिया है, और अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट करने पर ये कैसी दिखेगी। तो स्लाइड शो के लिए या तो आप मेन्यू बार पर स्लाइड शो में जा कर के व्यू शो पर क्लिक कर दें, या फिर जैसा कि यहाँ दिया है आप अपने कीबोर्ड पर F5 की दबाएंगे तो भी ये स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। अगर आपको बीच में से ही स्लाइड शो से बाहर आना है तो आप अपने कीबोर्ड पर एस्केप की दबाएं, और ये देखिए दबाते ही आप वापस जहां थे वहीं पर आ जाएंगे। एमएस पावरपॉइंट 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा स्लाइड में एनिमेशन देना।